बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम स्टूडेंट। आज हम ज़रा जीबी चैप्टर नंबर सिक्स मोलेस्कन सक्सेस को रीड करेंगे, जिसमें हम इसके आज एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, सक्सेसफुल ग्रुप रिलेशनशिप, अदर फाइला और ओरिजिन ऑफ सिलोन मोलेस्कन करेक्टरिस्ट को देखेंगे ब्रीफली। अगर हम एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के लिहाज से देखें तो सीन में जो स्पेलोकोट जो है एज प्रीडिएटर, मतलब सबसे ज़्यादा प्रीडिएटर इनमें ऑक्टोपस, स्क्विड्स और कटरफिश जो हैं, स्पेलोकोट के ऐसे टाइप हैं जो मोस्ट अडॉप्टेड प्रीडिएटर के तौर पर यूज़ की जाती हैं वर्ल्ड में। अगर हम इनके प्रीडेटरी अडॉप्टेशन देखें तो इनके प्रीडेटरी लाइफ स्टाइल में जो है रिजल्ट जो एवोल्यूशन में आया है, इनमें लार्ज ब्रेन होता है जो कि इनवर्टिब्रेट स्टैंडर्ड का होता है, कंप्लेक्स सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि कुछ किसी भी स्टैंडर्ड के हो सकते हैं, रैपिड लोकोमोशंस होते हैं, ग्रैस्पिंग टेंटिकल्स होते हैं और टेयरिंग माउथ पॉड्स होते हैं। और इन सब अडॉप्टेशन के बाद भी सेफेलोपोड जो हैं वो मेजर कंपोनेंट ऑफ एनी कम्युनिटी नहीं रहे। इनकी अगर हम डिक्लाइन देखें कि ये कैसे सेफेलोपोड जो है एकदम ख़त्म हो गए हैं, तो अगर हम देखें तो इनमें 9000 स्पीशीज थे क्लास सेफेलोपोडा की, मगर अब जो है इनकी ओनली 550 स्पीशीज रह गई हैं। जोलॉजिस्ट जो हैं वो अभी तक ये नहीं जान पाए कि सेफेलोपोड जो है एकदम डिक्लाइन इनका क्यों हुआ। अगर हम देखें तो इनकी दो व्यू हैं कि इनमें सेफेलोपोड में क्यों मतलब एकदम डिक्लाइन आया है। अगर हम फर्स्ट व्यू देखें तो वर्टिब्रेट्स जो है कम्पीट किया है सेफेलोपोड्स को, वर्टिब्रेट्स जो है अपेयर हुआ है प्री हिस्टोरिक असीज में, मतलब कदीम जो दरिया समंदर वगैरह उनमें सन वर्टिब्रेट जो है वो एक्टिव और प्रेडेटरी लाइफ स्टाइल रखते हैं। इसी तरह हम जो अगर सेकंड अगर हम व्यू देखें तो सेफेलोपोड जो है डिक्लाइन सिंपली हुआ है कि रैंडम एवोल्यूशनरी इवेंट जो होते हैं उनकी वजह से इनका डिक्लाइन हुआ। मतलब फर्स्ट जो है वो आर्थ्रोपोड की वजह से भी हो सकता है, सेकंड जो है मतलब एवोल्यूशन की वजह से भी हो सकता है। अगर हम इनके सक्सेसफुल ग्रुप की बात करें कि मोलेस्कन के कौन कौन से ग्रुप जो हैं वेरी सक्सेसफुल हैं, तो अगर हम इनको नंबर के लिहाज से देखें तो आज भी सेफेलोपोड जो है मोलेस्कन जो है वो 2 times ग्रेटर जो है सक्सेसफुल है एज वर्टिब्रेट। अगर हम मेजर मेजॉरिटी इनकी देखें तो इनकी स्पीशीज की तादाद जो है 10 lakh से भी मतलब ज़्यादा है। लिविंग स्पीशीज जो है मोलेस्कन्स की हम देखें तो 2 main groups जो हैं इनमें गैस्ट्रोपोडा और बायवल्विया है। गैस्ट्रोपोडा की जो स्पीशीज है उनमें स्नेल और स्लग आते हैं, बायवल्विया में जो है क्लैम्स और दूसरे जो इनके क्लोज रिलेटिव्स जो हैं वो आते हैं। अगर हम देखें तो मोलेस्कन जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और ये इनमें जो है सिलोम मौजूद होती है, सिलोमेट्स हैं। सिलोम ऑफ मोलेस्कस जो होती है स्मॉल कैविटी होती है जो कि हार्ट ऑर्गेनेट्स के इर्द गिर्द मौजूद होती है। अगर हम देखें कि सिलोम क्या होता है, सिलोम जो है एक बॉडी कैविटी होती है जो कि म्यूजोडर्म से अराइव होती है और इनमें एक शीट ऑफ म्यूजोडर्म मौजूद होती है जिसे हम पेरिटोनियम का नाम देते हैं। अगर हम इसके दूसरे फाइला के साथ रिलेशनशिप देखें तो इनमें मतलब मोलेस्कन जो है प्रोटोस्टोम्स हैं। प्रोटोस्टोम जो है ट्रेडिशनली इंक्लूड करते हैं उन एनिमल्स को जिनमें फाइला प्लेटेड हेलमिंथीज, नेमाटोडा, मोलेस्का और आर्थ्रोपोडा और अदर स्पीशीज जो हैं उनमें आते हैं। अगर इनके हम सिमिलैरिटीज देखें तो ये एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट और मोलेस्कस की और दूसरे प्रोटोसोम्स की जो है खास तौर पर एनालिट्स की जो है जिनमें सेगमेंटेड वर्म जो है वो स्ट्राइकिंग करती हैं, मतलब एक दूसरे के साथ मिलती हैं। इनकी सिमिलैरिटीज जो हैं इनमें ट्रोकोफोल लार्वा मतलब मौजूद होते हैं और इनके जो कि इन मोलेस्कस और एनालिट में हम डिफाइन नहीं कर पाते कि किसका ये ट्रोकोफोर लार्वा है। अगर हम देखें तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन और डक्ट सिस्टम जो है इनके वेरी सिमिलर होते हैं, दूसरे के साथ इनकी स्ट्रक्चर जो होती है मैच करती है मोलेस्कन्स और एनालिट्स की। मोस्ट जियोलॉजिस्ट जो हैं वो अगर हम इनका कंक्लूजन देखें तो मोस्ट जियोलॉजिस्ट जो हैं वो एक्सेप्ट करते हैं कि प्रोटोसोम रिलेशन जो है मोलेस्कस का मतलब एक दूसरे के साथ ज़्यादा है। तहम ये रिलेशनशिप जो है मेंबर ऑफ फाइलम दिस फाइलम और अदर प्रोटोसोम के साथ जो है फासले पर है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर इनमें सिमिलैरिटीज जो हैं इस बिना पर हम इन्हें एक ही ग्रुप में समझ लें, मतलब ये एक दूसरे से डिफरेंट है और नेस्टुरल
एवोल्यूशनरी पाथवे जो है ये सारा कुछ फर्जी है, मतलब ये हम अज्यूम करते हैं, ये मतलब ये प्रॉपरली पाया नहीं जाता। अगर हम देखें ओरिजिन ऑफ सिलोम की बात करें तो ओरिजिन ऑफ सिलोम जो है उस पर भी दो हाइपोथेसिस हैं कि टू टाइप ऑफ ओरिजिन ऑफ सिलोम हो सकती है, जिसमें जो है फर्स्ट नंबर पर शिज़ोसील हाइपोथेसिस, ये जो है प्रोटोसोम्स में प्रेजेंट होती है। अकॉर्डिंग टू इट सिलोम जो है ये स्प्लिटिंग ऑफ दिस मेसोडर्म, मतलब मेसोडर्म जो है स्प्लिट होते हैं तो उसके थ्रू जो मैं सिलोम बनती है उसे हम शिज़ोसील कहते हैं। मेसोडर्म जो होता है वो एरिया को फिल करता है जो कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान होता है, जो कि मेसोडर्मली ड्राइव होता है टिश्यूज से और ये बनाता है सिलोम फॉर्मेशन। अगर हम देखें तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इस तरह जो है एसिलोमेट जो है फ्लैट फॉर्म बॉडी जो है वो नेस्टर हो सकता है किसकी, सिलोमेट बॉडी फॉर्म की। मतलब शिज़ोसील हाइपोथेसिस से हम ये बिलीव करते हैं कि सिलोमेट बॉडी फॉर्म जिससे एसिलोमेट बॉडी फॉर्म ड्राइव्ड है। दूसरी जो हाइपोथेसिस है वो एंट्रोसोइड हाइपोथेसिस कहलाती है, जिसे हम एंट्रोन जो है गट को कहते हैं और क्लोज जो हालस है सजेस्ट करते हैं कि सिलोम जो है अराइज होते हैं और पॉकेटिंग ऑफ अ प्रिमिटिव गट ट्रैक्ट होते हैं, जैसा कि ये ड्यूट्रोसोम्स और अदर वर्टिब्रेट्स हैं उनमें मौजूद होती है। इस हाइपोथेसिस में भी ये देखा जाता है मेसोडर्म जो है और सिलोम दोनों जो है वो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल की गट से बनते हैं, और अगर ये ट्रू है तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। एसिलोमेट बॉडी फॉर्म जो है सेकेंडरी ड्राइव होती है मेसोडर्म फिलिंग द बॉडी कैविटी ऑफ अ सिलोम एनिमल, मतलब एसिलोमेट्स इधर जो है एसिलोमेट से एसिलोमेट बॉडी प्लांट जो है एनिमल जो है वो ड्राइव होते हैं। अगर हम फाइनल आउटकम या कंक्लूजन देखें तो अनफॉर्चुनेटली जियोलॉजिस्ट जो है वो अभी तक ये नहीं जानते कि इनमें से कौन सा हाइपोथेसिस जो है वो एक्यूरेट है। सम जियोलॉजिस्ट जो है वो बिलीव करते हैं कि सिलोम जो है वो अराइवन हुई मोर देन वंस इन डिफरेंट एवोल्यूशनरी लाइनेज, मतलब बहुत से ज़्यादा जो है एवोल्यूशनरी लाइनेज में डिवेलप हुआ, मोर देन वन एक्सप्लेनेशन को मतलब इन दोनों में से शिज़ोसील हाइपोथेसिस और एंट्रोसील हाइपोथेसिस में से कोई भी एक जो है हाइपोथेसिस करेक्ट हो सकती है। अब ये कन्फर्म कि इनमें से कौन सी हाइपोथेसिस जो है वो कन्फर्म है, मतलब शिज़ो एसिलोमेट बॉडी प्लांट से सिलोमेट बॉडी प्लांट जो है वो बने या सिलोमेट बॉडी प्लांट से एसिलोमेट बॉडी एनिमल जो है वो डिवेलप हुए। अगर हम मोलस्कन करैक्टरिस्टिक देखें कि फाइलम मोलस्का जो है किन किन करैक्टरिस्टिक पर मौजूद हैं, तो इनमें से जो है इनका जो साइज है गेंट स्क्विड से मयरिंग 18 मीटर इनकी लेंथ आ जाती है। स्मैलिस जो है इनका गार्डन स्लग है लेस देन 1 सेंटीमीटर, मतलब इनका साइज जो है 1 सेंटीमीटर से 18 मीटर तक चला जाता है। और इनमें जो है फॉलोइंग करैक्टरिस्टिक मौजूद हैं, इनकी जो बॉडी होती है वो अनसेगमेंटेड होती है, मतलब वो हम उन्हें सेगमेंट में डिवाइड नहीं कर सकते। सेकंड जो है इनमें बायलिटरल सिमेट्री मौजूद होती है। इनके प्रोटोस्टोम जो करैक्टरिस्टिक हम देखें तो इनमें ट्रोकोफोर लार्वे होते हैं, स्पायरल क्लेविज होती है, शिज़ोसील सिलोम फॉर्मेशन बनती है, सिलोम जो होती है इनकी रिड्यूस हो जाती है कैविटीज से जो कि हार्ट नेफ्रिडिया ऑर्गेनेट्स के इर्द गिर्द मौजूद होती है। अगर हम इनका सर्कुलेटरी सिस्टम देखें तो इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है, जो कि कुछ सेफलोपोड में जो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो भी प्रेजेंट है। मतलब इस तरह हम ये कह सकते हैं कि इनमें दो किस्म के सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं। अगर हम इनमें देखें तो इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में ना रेडोला मौजूद होता है, रेडोला जो होता है फूड को स्क्रैप करने में इस्तेमाल होते हैं, और इनमें एनस जो होते हैं वो मेंटल कैविटी में जो है ओपन होता है। अगर हम इनकी डिवीजन ऑफ बॉडी देखें कि बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड होती है, तो बॉडी को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक फर्स्ट जो है हेड फुट कहलाते हैं, सेकंड जो है विसरल मास होता है। हेड फुट जो है वो एलोंगेट होते हैं इंटीरियर हेड से, हेड जो है कंटेन करता है माउथ को, नर्वस स्ट्रक्चर्स को, सेंसरी स्ट्रक्चर्स को। और जो इनके फुट होते हैं मतलब पाँव जो है इनके, वो वेंट्रल बॉडी वॉल्व को मॉडिफाइड करके स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम फुट कहते हैं। इलांगेटेड फुट जो है यूज़ करते हैं अटैचमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए और
मतलब ब्रोइंग के लिए। और इनका सेकंड जो पार्ट है वो विसरल मास होता है। विसरल मास जो है वो कंटेन करते हैं ऑर्गन ऑफ मतलब ऑर्गन ऑफ डाइजेशन, डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं उनमें, सर्कुलेशन एंड रिप्रोडक्शन एक्सक्रीशन। और विसरल मास जो होते हैं वो पोजीशन करते हैं डॉर्सल टू द हेड फुट, मतलब हेड फुट से लेके पूरी बॉडी में, मतलब हेड से लेके फुट तक जो है विसरल मास मौजूद होते हैं। अगर हम देखें तो ये सामने जो डायग्राम बनी हुई है ये मोलस्कन्स की मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चर है, जिसमें जो है इनके मेंटल केविटी सेल मौजूद होता है, सेल के बाहर जो है मेंटल केविटी मौजूद है, आइज आइज होती हैं और उसके साथ इनमें सेल मौजूद होते हैं, विसरल मास होता है मतलब बॉडी के अंदर, और इनमें स्टमक मौजूद होते हैं, इंटेस्टाइन भी पाई जाती है, मेंटल केविटी होती है जिसके साथ गिल्स अटैच होते हैं, और मस्कुलर फुट होते हैं जो कि इनको मूवमेंट के लिए हेल्प आउट करते हैं। अगर हम देखें तो इनमें मेंटल मतलब डॉर्सल बॉडी वॉल जो होती है एनिमल्स की वो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर बनाती है और जिसे हम मेंटल कहते हैं, और मेंटल जो है वो मोलस्कन्स यूजुअली अटैच्ड टू द विसरल मास, ये इनफोल्ड हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द बॉडी को, मतलब इनफोल्डिंग के अमल में अपनी बॉडी को इनफोल्ड करते हैं और ये सिक्रीट करते हैं शेल को जो कि मेंटल को अवलाइज करते हैं, मतलब मेंटल के ऊपर स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि शेल बनाते हैं। शेल जो होते हैं मोलस्कन्स के सिक्रीटेड थ्री लेयर्स होते हैं। अगर हम देखें तो कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, तो इनमें जो है पेरियोस्ट्रेकम है, फिर है प्रिज्मेटिक लेयर, फिर है नेक्रियस लेयर। अगर हम पेरियोस्ट्रेकम लेयर की बात करें तो ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये प्रोटीन लेयर कहलाती है। प्रिज्मेटिक लेयर जो होती है मिडल लेयर ऑफ द सेल होती है, ये थिकेस्ट लेयर होती है। अगर हम देखें केमिकली ये कंपोस्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होती है और मिक्स होती है ऑर्गेनिक मैटर से। अगर हम देखें नेक्रियस लेयर की, ये इनर मोस्ट लेयर होती है शेल की, जिसमें सेल्स होते हैं अलॉन्ग द एंटायर एपिथेलियल बॉर्डर ऑफ द मेंटल सेक्रीट करता है नेक्रीसियस लेयर को। नेक्री जो होता है ये सेक्रीशन करता है थिकन शेल, मतलब ये शेल जो बनता है वो मोस्ट ऑफ द नेक्रीस लेयर से बनता है। अगर हम इनकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो ये कैल्शियम कार्बोनेट और ऑर्गेनिक मैटर पर मुश्तमिल होते हैं। फिर है मेंटल केविटी, इसमें जो है स्पेस बिटवीन मेंटल एयर फुट मौजूद होती है। मेंटल केविटी जो है ओपन होती है बाहर की तरफ। अगर हम मेंटल केविटी देखें तो वो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती है, जिनमें से जो है गैस एक्सचेंज, एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव वेस्ट, रिलीज ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स जो है हो रहे होते हैं, ये सारा कुछ कौन कर रहा होता है, मेंटल केविटी कर रहा होता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं रेडोला। रेडोला जो होते हैं माउथ ऑफ मोस्ट मोलस्कस जो होते हैं वो रेस्पिंग मतलब खारदार स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, जिसे हम रेडोला कहते हैं, जो कि काइटनस बेल्ट और साथ साथ रोज ऑफ पोस्टीरियर कर्व जो होते हैं, जो अंदर की तरफ कर्व हो रहे होते हैं, टीथ पर मुश्तमिल होते हैं। फिर इनमें डेंटोफोर मौजूद होते हैं। डेंटोफोर जो है रिडोला जो है फ्लैशी टर्म लाइक स्ट्रक्चर जो है कार्टिलेजिनियस जो है डेंटोफोर, मतलब जो कि कार्टिलेज से बनी हुई होती है और मूवमेंट कर रही होती है, उस पर मुश्तमिल होते हैं, जिसे हम डेंटोफोर का नाम कहते हैं। अगर हम रोल ऑफ डेंटोफोर देखें तो ये मसल्स एसोसिएट होते हैं डेंटोफोर, जो कि परमिट करता है रिडोला को कि वो बाहर की तरफ और अंदर की माउथ से बाहर की तरफ जो है वो मूव कर सकें। मसल जो होते हैं एसोसिएट हो रहे होते हैं रेडोला के साथ, जो कि बैक और फोर्थ और अडल्ट फोर होते हैं। फूड जो होते हैं स्क्रैप करते हैं सबस्ट्रेट से और पोस्टीरियरली जो है डाइजेस्टिव ट्रैक पर मुश्तमिल होते हैं। और रिस्पायरेशन के लिए इनमें गिल्स, लंग्स और जनरल बॉडी सर्फिस होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए इनमें किडनीज और मेटानेफ्रिडियम मौजूद होते हैं, जो कि एक और दो मतलब किडनी पर मुश्तमिल होते हैं। सेंस ऑर्गन जो होते हैं इनका ऑल टाइप्स प्रेजेंट होते हैं। टच, टेस्ट, स्मेल, इक्विलिब्रियम, वीन ऑल आर वेल डेवलप होते हैं। ये मोनिशियस और डाइशियस होते हैं। इनमें मैक्स, सीपिया, कटलफिश जो है मेन एग्जाम्पल है। इस तरह जो है आज का टॉपिक ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।